हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी सभी लोग। तो वेलकम है एक और नई वीडियो में। तो गाइस यार, आज की वाली वीडियो में हम लोग उतर रहे थे गाइस स्नो आइलैंड में। और गाइस मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आज गाइस मैं स्नो आइलैंड में उतर के दिखाऊँ, क्योंकि गाइस स्नो आइलैंड आज मेरे से बहुत दूर है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्नो आइलैंड में उतर के दिखाऊँ। और अगर मैं उतर गया ना तो आपको इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइस उतर पाएंगे कि नहीं। ओ यस भाई साहब, अब भाई अभी मत लाइक करना, बाद में भले ही आप लाइक करते हो, बट भाई प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना भाई। स्नो आइलैंड में उतरने के लिए भैया लाइक तो बनता है। तो मैं यहाँ पे उतरता हूँ, मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं उतरा है, और वैसा ही था, यहाँ पे कोई बंदा नहीं उतरा। लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद मेरी ये गलत फहमी मतलब दूर होने वाली थी, और यहाँ पे मेरे को मिल चुकी थी UMP 45 और टॉमी यानी कुत्ता। मतलब टॉमी के बाद भी मैं जल्दी से देखता हूँ कि कोई बंदा अंदर तो नहीं। तो यहाँ पे मेरे को कोई बंदा नहीं दिखता है, तो सोचता हूँ कि मतलब कोई बंदा नहीं उतरा होगा। लेकिन गाइस थोड़ी देर बाद जब मैं थोड़े आगे जाता हूँ तो ये मेरी गलत फहमी दूर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे आया ही था और मैं चेक ही कर रहा था कि यहाँ पर हो सकता है कोई बंदा है, क्योंकि मेरे को अब शक हो चुका था, यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें लुटी हुई थी, तो मेरे को लग ही रहा था यहाँ बंदा है। और जैसे ही मैं आगे जाता हूँ तो बस देखो तो वो चीज़ है, मैंने बहुत ज़्यादा टफा सा डैमेज दे चुका था। तो अब मेरे को लग ही रहा था कि कहीं आगे भागेगा, तभी मैं उस बंदे को देख लेता हूँ। और तभी बस देखो उसको, तो भैया जी हमारे विंशू भैया तो मतलब आसमान में ही लटक जाते हैं, मतलब आसमान के अंदर ही मैं इनकी पेटी चमका देता हूँ, फिर ऊपर से इनकी नीचे पेटी चमकती है। और भाई साहब ये बंदा एनर्जी चढ़ाते चढ़ाते अगर आगे बढ़ता तो हो सकता है बच सकता था, बट कोई नहीं भाई, आज भगवान जी ने हमारा साथ दे दिया था। और मेरे यहाँ मिल जाती S12K, तो मैं जल्दी से जल्दी S12 को भी उठा लेता हूँ। उसके बाद मैं लूट लाट करने के बाद यहाँ पे चेक करने लगता हूँ कि कहीं और बंदे तो नहीं है, और फिर S12 की थोड़ी बहुत एमोजी लूटने लगता हूँ ताकि थोड़ी बहुत S12 की एमोजी मिल जाए, क्योंकि मैंने थोड़ी जगह पर S12 की एमोजी लूटी थी। तो जल्दी जल्दी लूट शूट करके वो फिर यहाँ से निकलेंगे। इनसे निकलने के बाद मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा आगे जाते हैं, उसे देखते हैं अगर आगे कोई बंदा ना दिखे तो धक्का देंगे। और जैसे गाइस मैं यहाँ से थोड़ा आगे जाता हूँ तो बस देखो गाइस क्या ही होता है। बस इस शॉट के लिए तो गाइस लाइक तो बनता है, तो भैया जी बंदे ने सोचा कि यहाँ पे बंदा है, और भाई जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरा। फिर उसने सोचा कि नहीं भैया जी निकले यहाँ से, तो जब तक निकल रहा था तो मैंने इस तरह से भैया जी अपने एक निकाली और भैया जी उनको गाड़ी के अंदर फ्री कार से मार दिया। तो गाइस इसके लिए लाइक तो बनता है, तो जल्दी जाए गाइस लाइक कर दो। और गाइस अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। तो भैया जी गलती से हम अभी रेड जोन की नानी के घर में आ रहे थे, तो भगवान जी से प्रे करा था कि भगवान प्लीज़ मेरे ऊपर रेड जोन ना गिर जाए। और भगवान जी मेरी सुन लेते हैं और यहाँ से जोन चला जाता है, रेड जोन कहीं और चला जाता है, मैं यहाँ से बच जाता हूँ, तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। यहाँ पर तो मैं एक बॉट की खोपड़ी उड़ा देता हूँ। तो काफ़ी गाइस मैं जब स्टेडियम के पास में आया था तो मेरे को यहाँ पे एक बॉट दिख गया था। वैसे मैं तो मान नहीं चाहता था, बस मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मेरे को मजबूरन यहाँ से इस बॉट को मारना पड़ रहा था। वरना तो गाइस मैं अच्छा खासा यहाँ से जा रहा था, तो फिर मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी भरी भी लेते हैं। बस इसी तरह मेरे को बहुत बड़ा मिलता है, तो जल्दी से मैं उनको निकल जाता हूँ और फिर यहाँ से निकल लेता हूँ। कभी मुझे एंट्रेंस वाले की आवाज़ आती है, तो मैं काफ़ी तो भाई उसका पीछा करते करते मैं उसके पास चला आया था, बट मैंने सोचा कि उसको भाई में मेरे को मेरा मन नहीं था अभी जाने का, मैं चाहता तो उसको धक्का भी देता। फिर मैं जल्दी से पायलट प्लाजा में आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर बंदे होंगे, बट कहीं चाहे बंदे के नाम पर इस बिल्डिंग में कद्दू भी नहीं था, मतलब इसके आसपास कोई बंदा ही नहीं था, मतलब सब बंदे कैंपिंग करे बैठे हुए थे। इसीलिए बस मैंने उसका थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि कल आप लोग घटा बोर ना हो। जल्दी जल्दी मैं चेक कर रहा था कि बंदे नहीं है, बंदे नहीं है, पर भैया कि बंदा मतलब एक बंदा नहीं मिला मेरे को यहाँ पे, चारों तरफ बस बंदे फायरिंग करते रहे, पर कोई बंदा ही नहीं मिला। तो फिर मैं सोचता हूँ कि जल्दी जल्दी भैया जी यहाँ से निकल लेते हैं, भैया जी बगी लेते हैं, थोड़ा बहुत देख लो क्लिप को, उसके बाद मैं निकल रहा हूँ भैया जी बगी लेते हैं। Thank you.
ड्रोन बन रहा है, मैं जल्दी से यहाँ से निकल लेता हूँ। मेरे पास फेस्टिवल की थी, तो अगर जब मैं खड़ी हुई था तो उसे निपटा देता। जैसे मैं आपकी तरफ जाकर तो अभी मेरे पर फेस्टिवल का कोई बंदा गोली मारता, तो मेरे पास फेस्टिवल की थी तो मैं डरता नहीं हूँ। जैसे ही बंदा आता मैं देखता और गाइस पता नहीं गाइस क्या होता है, इस बंदी की बेटी बन जाती है। तो देखते हैं कैसे बनी इसकी बेटी, जरा ऊपर कर करें। ओ भाई, तो गाइस देख सकते हैं ये थर्ड पार्टी पीछे से गाइस स्प्रे दे रहा था और इसने उस बंदे को भी निपटा दिया और मुझे भी निपटा दिया। इस वाली वीडियो में मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि डैड गाइस, ये जिसके ऊपर आपको अभी ये एरो देखने को मिल रहा है वो कौन सा गेमर, उस गेमर का नाम आपको कमेंट में बताना है।